नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस मुद्दे पर मैं पहले भी दो तीन वीडियो बना चुका हूं और आज शायद इस मुद्दे पर ये आखिरी वीडियो हो। कारण क्या है, कुछ बातें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। यदि आप में से कोई आग्रह नहीं भी करता कि सर इस पे आप अपना वक्तव्य रखें या इस पर बोलें, तो भी मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ज्यादा समय तक ऐसे कोई भी चीज हो तो चुप्पी नहीं साध सकता। मेरी आदत ही है, एक कीड़ा सा काटता है कि जहां पे जो गलत है जो सही है उसको कम से कम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की मैं मतलब अपने अंदर एक रखता हूं वो चीज के, हाँ ये रखना चाहिए। हालांकि देखा होगा आपने कि बहुत कम विद्वानों ने ही इस पे अपनी राय रखी होगी, ज्यादातर लोग चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक पक्ष जो है उनसे नाराज हो। क्यों होता क्या है कि देखो, कोई भी बात करे, कोई चीज आ गई तो दो पक्ष होते हैं। मान लीजिए 80% लोग इस बात को, हमारी बात को समझ लें, लेकिन 20% ऐसे भी होंगे तो कह सर नहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज हो रही है, आप गलत बोल रहे हो या आप गलत का साथ दे रहे हो। 20% तो फिर भी मिल जाते हैं, यानी 20% की सीधी नाराजगी। तो देखो, सच बोलने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो गलत और सही सबको नजर आ रहा है, लेकिन यह है कि कुछ लोग कह देते हैं और कुछ लोग नहीं कहते। कई लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं, कई लोगों ने नहीं रखे, उनका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को भी इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा यह है। कई विद्यार्थियों को लगे सर क्या पता आप व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो, तो देखो जब ऐसा समय आया राजस्थान के अंदर जब कोई विज्ञप्ति नहीं थी, आसपास कुछ भी नहीं था, यूट्यूब पर कोई ज्यादा टीचर भी नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी मैं लगातार आप लोगों को क्लासेस दे रहा था। और मैं कोई भ्रामक थंबनेल बनाकर या ऐसे व्यूज लेने की नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से क्रम वाइज जैसे आपको पेड कोर्स में क्लासेस मिलती है क्लासेस दे रहा था। 3 साल हो गए, 6 लाख सब्सक्राइबर तक तो मैंने आज दिन तक ही, मेरे मन में लालच नहीं आया कि अपन भी जो है कोर्स सेल करें या कोर्स। और हो सकता है कि कुछ लोग इस मुद्दे पर नहीं भी बोले, क्योंकि 20% लोग वो नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं कोर्स सेल होने में या तो कमी हो या कहीं ना कहीं फिर कोर्स बिकने में भी हो जाए कमी हो। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी होता है कि जरा आपकी किताबें बिक जाती है तो रॉयल्टी आ जाती है। बिल्कुल रॉयल्टी आती है, और निश्चित रूप से जिसकी किताबें आती है उसको रॉयल्टी मिलती है और फायदा होता है, और मैं तो इस चीज को खुला स्वीकार करता हूं। लेकिन यह है कि 1000 रुपए का कोर्स सेल होता है तो कम से भी कम 500-600 रुपए का फायदा शुद्ध रूप से है, और 300 रुपए की यदि आप किताब भी लेते हो तो 20-30 रुपए से ज्यादा रॉयल्टी लेखक को नहीं मिलती है। यह है सीधा सा गणित। आप लोग भी देख सकते हो कि फायदा कहां है और कहां है चीज। और रही बात किताबों की, तो भगवान की कृपा से वो क्षमता है कि वही किताब लिखी जाती है जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा चाहते हैं, और वो प्रदर्शन भी परीक्षाओं में बेहतर करती है। तो इसीलिए विद्यार्थियों की डिमांड रहती है, और जितनी भी किताबें निकाली है आउट ऑफ स्टॉक ही रही है, और ये चीजें आप लोगों को पता है। और एक चीज, कैसा टेस्ट सीरीज सेल हो जाए तो राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा जो 50-60 रुपए के नॉर्मल चार्ज में 3-3, 4-4 हजार प्रश्नों का अभ्यास आप लोगों को करवा दे। 5 लाख रुपए का हम जो है खर्चा उठाते हैं महीने का, तब जाके ये चीजें मेंटेन हो पाती है। तो ये चीजें तो रही, इसलिए जो है मैं किसी चीज की वीडियो या नहीं बनाता या ये चीजें हैं। अब आप लोग कैसा समझना चाहे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। रही बात आगे की, अब ये आरक्षण हटेगा या नहीं, तो देखो जब भी कोई ऐसी चीज होती है दो पक्ष तो निश्चित रूप से होते हैं। अब ये सीधी बात है कि घर में लड़ाई आई है, मियां बीबी के बीच में लड़ाई, भाई बहन के बीच में लड़ाई, सीधी सी बात है। अब इससे पहले जो 30% आरक्षण था ना, कहीं भी इसकी ऐसी मांग नहीं थी कि साहब 50% किया जाए या ऐसा किया जाए। ये करने से वे बहनें शायद मुझे अभी भी कहेगी जिनको लगा कि हाँ वास्तव में ये सही है, और कई बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा कि सर आरक्षण दे ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे जो है हक भाइयों का मारा जा रहा है। कई जो बहनें ये भी कहती हुई नजर आएगी कि सर इतिहास उठा कर देख लो, आप इतिहास के शिक्षक रहे हो, कि इतिहास से जो है जो स्त्री जाति के साथ में या महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ है या अत्याचार हुआ है, लेकिन वो चीजें बदली है समय के साथ में, अब बदली है, वो वाली चीजें अब नहीं चल रही। और यदि ये लगे कि तब हो रहा था तो अब ये ठीक है, तो ये रिवेंज वाली बात तो है नहीं कि अब हमें जो है पुरुषों से बदला लेना है। पुरुष और महिला जब मिलते हैं तभी परिवार चलता है, सीधी सी बात यह है। और परिवार में यदि अपने अपने अपन भाई है तो अपनी भी कोई बहने हैं, और बहने हैं तो उनके भी कोई भाई है, सीधी सी बात यही है। अब इसमें यह है सीधी सी गणित है कि बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी है ना, उनमें मेल कैंडिडेट भी होते हैं और फीमेल भी होती है। अब यहाँ पे देखें तो महिलाएं, ये कि सर मनोविज्ञान के अनुसार प्राइमरी टीचर में जो है महिलाएं ज्यादा बेहतर हैं,
सीधी बात है और सही बात भी है, मैं भी मानता हूं इसको, महिलाएं ज्यादा बेहतर है, इसीलिए 30% आरक्षण दिया गया था। अब इसका मतलब यह नहीं था कि 70% आरक्षण पुरुषों को था, ऐसा नहीं है। 30% रिजर्व महिलाओं के लिए ही है, उस पर पुरुष कहीं भी कोई नहीं आ सकता। बस में जैसे महिला आरक्षित सीट होती है ना, पुरुष बैठ जाए तो भी उसको उठा दिया जाता है या उठा सकते हैं कि भैया ये महिला आरक्षित है, बाकी सीटें महिलाएं भी बैठ सकती है, पुरुष भी बैठ सकते हैं। यही चीज यहां पे भी है कि बाकी जो सीटें 70% थी वो पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं थी, महिलाएं भी यदि अच्छी फाइट करती है वो भी ले सकती है, पुरुष फाइट करते हैं पुरुष भी ले सकते हैं। रही बात आरक्षण की, तो जैसे एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण जितने भी दिए जाते हैं संख्या के आधार पर दिए जाते हैं, तो संख्या के आधार पर जो 30% आरक्षण दिया था उसका कहीं भी पुरुषों ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारी बहनों को इस चीज की जरूरत है और ये सही है। अब जब 30% से बढ़ा के 50% किया जाता है तो पुरुषों के विरोध का कारण आप समझे, कारण ये है विरोध का। और मैंने भी इसलिए अपना वक्तव्य रखा कि मैं देख पाता हूं सही तरीके से कि सही क्या है गलत क्या है मेरे नजरिए से, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का नजरिया अलग हो और भी कई विद्वान साथियों का नजरिया अलग हो। वो नजरिया यह है कि 50% तो महिलाओं को आरक्षण मिल गया, सीधी सी बात है 50% मिल गया, कोई बात नहीं है। अब पीछे बची 50% सीटें, लेकिन उसमें भी यदि ऐसा होता ना 50% भाई महिलाओं को है 50% पुरुषों को, कोई बात नहीं कि हाँ ये ठीक है चलो कोई नहीं, तो कोई विरोध नहीं करता। बाकी 50% सीटें जो बची है, जो अनारक्षित आपको लग रही है, उसमें महिला और पुरुष दोनों समान रूप से अधिकार रखते हैं, जो भी मेरिट में आएगा सीट लेगा। इसके अलावा सुनिए कि 12.5% जो है एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल आरक्षण में चली जाती है, दिव्यांगों की चली जाती है, और भी कई सारे आरक्षण पीछे बचती है, 20-25% सीटें ही बचती है, उसमें भी महिला और पुरुष दोनों ही वहां पे फाइट करेंगे। तो ये बात आप लोग भी देखें कि कहां तक, जब बीएसटीसी किए हुए विद्यार्थी उनके पास तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी चारा नहीं है, वो उनके लिए कहां तक, आप खुद सोचो कि उनको रातों को नींद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, वो किस हिसाब से तैयारी करें या नहीं करें। हमारे पास सैकड़ों कमेंट आते हैं दिन के, सर आपने बात रखी अच्छा किया। कुछ एक ऐसे भी आते हैं, सर आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए था। भैया हम जो है विद्यार्थियों से सीधे जुड़े होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं एसी के रूम में बैठे हुए वो सीधे नहीं जुड़े होते हैं। यदि ये चीजें शिक्षकों से सलाह लेकर कर ली जाए तो कभी भी किसी चीज का विरोध नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, क्या है कैसे है। अब विज्ञप्ति की घोषणा अभी आप लोगों को पता है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हाँ भैया भर्तियां आ रही है, विज्ञप्ति आनी भी चाहिए, अपन कहीं यही कह रहे हैं कि विज्ञप्ति आनी चाहिए, लेकिन ये चीज जो है वो एक तरीके से लड़ाई डालने वाला काम हो गया है। अब सीधी सीधी बात है, मैंने सीधा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि देखो 50% आरक्षण देना सीधा सीधा जो है पुरुषों के साथ में तो कुठाराघात है, ये कहां तक उचित है। आप महिलाएं हैं, आप महिलाओं की दृष्टि से भी देखें तो भी देखो, महिलाओं में वह वर्ग जो डाइवोर्सी है, जो विडो, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मैं खुद इस बात को मानता हूं, और मेरे चैनल से तो महिलाएं ही ज्यादा पड़ती है। अब उसमें से भी ये सोचे कि सर ने सच बोला है तो इसलिए हम नाराज हो जाते हैं, हम सर की क्लास नहीं देखेंगे, तो देखो मुझे कोर्स सेल करने का न आज दिन तक लालच आया है न भविष्य में आएगा। यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सही उचित कार्य कर रहा हूं तो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, यदि आपको लगेगा कि नहीं सर तो पढ़ाने में अब नहीं कर रहे सही तरीके से तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। रही बात व्यूज की, तो आज दिन तक 2000 वीडियो है, उठाकर देख लेना। मैं किसी क्लास में नहीं कहता कि मेरे इसको वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो या लाइक करो, वो चीजें है ही नहीं, मैं उन चीजों से परे हटके कार्य करता हूँ। सीधी सी बात यह है, और वह चीज जरूर बोलता हूँ जहां पे बोलना चाहिए। पहले भी जो चीजें हुई है उनमें भी मैंने अपना मत रखा है और सही तरीके से रखा है, और आगे भी यदि कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से रखूंगा। मैं चुप्पी साध कर बैठने वालों में से नहीं आता, आप लोग सभी जानते हैं। अब रही बात, अब देखो ये है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने तो भाई नागरिक है राजस्थान के, माननीय कहना अपना मतलब सम्मान देना अपने को देना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाइयां ले रहे हैं और कई जगह सभाएं कर रहे हैं, अभिनंदन कार्यक्रम हो रहे हैं, सही भी बात है। 50% आरक्षण दिया है, महिला वर्ग राजी भी है और देगा भी, अभिनंदन करेगा भी, बधाइयां देंगे भी, शुभकामनाएं देंगे लेंगे, सारा होगा। अब यही याद आ गई, 30% से 33% पुलिस विभाग के अंदर भी कर दिया गया, हो सकता है आने वाले समय में और भर्तियों में भी किया जाए। रही बात आंदोलन करने से ये चीजें सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, तो देखो आंदोलन जैसे कल भी हुआ है, अपन ने भी इसके समर्थन में क्लास ऑफ रखी थी, और कल ऑफ रखी थी तो उसकी भरपाई आज करें ऐसा नहीं होगा,
ऑफ यानी कि ऑफ है, वर्किंग डे में ऑफ रखी, अपने सोम से गुरुवार क्लास आती थी वो ऑफ रखी, तो वापस सोमवार को ही आएगी। ये वो चीज नहीं है, फॉर्मेलिटी वाली नहीं है कि भाई कल ऑफ रखी आज इसकी भरपाई कर ले, नहीं। यदि किसी को मतलब किसी चीज पे बोला है तो दिल से बोला है, और उसको समर्थन यदि किया है तो दिल से किया है, और सही गलत जो है सभी जानते हैं। जो महिलाएं ये कह भी दे कि सर यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, तो वो भी जानती है अंदर से कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अपन ज्यादा क्लेरिफिकेशन इसमें क्या ही दें। अब आप सभी भी विद्वान हो, आप सभी भी अपनी विद्वता रखते ही हो, आप सभी जानते हो चीजें। तो यहाँ पे अब रही बात कि आंदोलन से, तो आंदोलन देखो एक निश्चित नेतृत्व के अधीन होना चाहिए। यदि आपको करना है या कोई बात रखनी है, एक निश्चित प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है, आप लोगों को सारी चीज स्थल डिसाइड करना पड़ता है, रूपरेखा बनानी पड़ती है, तब तो उस आंदोलन की होती है सुनवाई। और सबसे बड़ी बात कि अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, और कोई भी युवा बेरोजगार जो आगे एग्जाम देने वाला है वो ऐसी गलती कतई नहीं करे जिससे उनकी गिरफ्तारी हो या कुछ ऐसे एक्शन लिए जाए, क्योंकि फिर उससे जो है सीधा सीधा भविष्य दाव पे लगता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, सही तरीके से बात रखी जाती है तभी सुनवाई होती है। दूसरी बात कि इसका सॉल्यूशन कहां से आ सकता है, सीधी सी बात है कि इसका सॉल्यूशन कोर्ट से आएगा, न्यायालय से ही आएगा, और न्यायालय जो फैसला देगा फिर चाहे पुरुष राजी हो चाहे महिलाएं राजी हो, जो भी फैसला आएगा वो मानना पड़ता है। और ऐसे जब भी मुद्दे हुए हैं किसी भी स्टेट में हुए तो उसका फैसला जो है कोर्ट के जरिए आया है। आप निश्चित रूप से आंदोलन के जरिए अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन उसकी एक रूपरेखा निश्चित जो है पूरी शेड्यूल होता है उसके तहत रखनी चाहिए, उसके भी नियम होते हैं उसके तहत रखनी चाहिए, और उसके बाद में जो है अंतिम जो फैसला इस पे आना है निश्चित रूप से वो जो है न्यायालय के द्वारा ही आएगा, और उसके बाद में जो फैसला मान्य होगा वो होगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि इस मुद्दे पर आप मानकर चलें कि ये मेरा भी अंतिम वीडियो है, क्यों, क्योंकि बार बार इसी चीज पे मैंने जब से ये चीज आई है तब से 4-5 वीडियो बनाकर आप लोगों को सभी चीजें सही गलत जो है सारी चीज बताई है। अब जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में सर ने सही बात रखी है या नहीं। बाकी मेरे नजरिए में, मेरी दृष्टि में आज दिन तक जैसे जो भी अभी इससे पहले भी जो मामले हुए थे वहां पे मैंने अपने अपने जो जो बात जिस तरीके से रखनी चाहिए थी रखी है, जहां पे बोलना चाहिए था आपके कहे बिना बोला है। रही बात जयपुर आने की, तो देखो मेरे यहाँ से 450 किलोमीटर जयपुर पड़ता है, यदि मैं जयपुर में ही होता और आप लोग बुलाते नहीं उससे पहले मैं पहुंच जाता, 450 किलोमीटर पड़ता, उसके बाद भी निश्चित रूपरेखा नहीं हो, निश्चित चीजें नहीं हो, पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे जाना है, कितने क्या लोग है, कैसे है, तो वहां पे देखो ये चीजें संभव नहीं होती। और जहां पे ये बात करें कि अपन आंदोलन करना है, नेतृत्व करना है, तो वहां पे आप लोगों को युवा नेता और नेतृत्व करने वाली चीज चाहिएंगे, वहां पे नेतृत्व करने वाले युवा नेता आप लोगों को चाहिएंगे, वही इस बात को आगे तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ये जो बातें क्लियर करनी थी वो आज मैंने इसके जरिए कर दिया। हटेगा या नहीं हटेगा, ये कैसे हट सकता है वो मैंने बताया है कि ये चीजें जो है न्यायालय, ऐसे मामले होने के बाद कि अब दो पक्ष खड़े हो गए, तो सीधी सी बात है न्यायालय के द्वारा ही ये चीजें हट सकती है, ठीक है। न्यायालय के द्वारा हटती है, आंदोलन के द्वारा आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन हटे या नहीं हटे इसका कोई मतलब कह नहीं सकते, लेकिन न्यायालय के द्वारा जो है फिर जो फैसला आएगा हटाना नहीं हटाना वो न्यायालय देखेगा, बाकी भी पक्ष देखेगा, सारी चीजें देखकर फिर जो उचित होगा वो न्याय इस तरीके से आता है। अब ये चीजें जो है आप लोगों को समझनी जरूरी है। अब देखो मुझे न तो आप ऐसे मानना बहुत आदर्शवादी है नहीं, या बहुत ऐसे कोई मतलब आप लोग मानो सामान्य इंसान हूं और सामान्य तरीके से पढ़ाता हूं, सीधी सी बातें हैं, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती इसलिए सीधी सी बोल देता हूं, हो सकता है 2-5% लोग नाराज भी हो, लेकिन जो बात है बेबाक तरीके से आज दिन तक कही है और आगे भी कहूंगा। ये भी नहीं दिखता मैं लोग की सरकारी आदमी हूं, सरकार क्या मानेगी, हटा देगी, हटा दे तो एक बार नहीं 10 बार हटाए, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटा जा सकता, क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान में मिली हुई है। तो संविधान में मिली हुई आजादी, कहीं किसी को गाली गलौज या कोई भड़काव भड़काना या ऐसी चीज तो करते नहीं, ऐसी चीजें हो तो फिर रोक भी लगे, लेकिन सही तरीके से अपनी बात को रखना आता है और अभिव्यक्ति की आजादी तो सभी को है। तो ये चीज जो है इसका, इस अधिकार का प्रयोग आज दिन तक किया है, आगे भी करेंगे और करना भी चाहिए। भाई जहां पे एक जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है वहां जिम्मेदारी लेनी भी पड़ती है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें आपको भाइयों को, भाइयों से ज्यादा बहनों को समझने की आवश्यकता है। रही बात मैंने जो ये बात रखी है कि हाँ, तो देखो सही गलत सभी को पता चल रहा है, मेरी इस चैनल से तो महिलाएं ही ज्यादा पढ़ती है, और जितने सेलेक्ट हुए ना टीचर वैकेंसी में उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं मेरे चैनल से ही सिलेक्ट हुई है। यहां से यदि देखें आप किताबें,
घर बैठे तैयारी करने का माध्यम बिना किसी शुल्क के, यदि पूरे पूरे कोर्स सिलेबस यदि पिछले 3 सालों में हुआ है तो वो जीजीडी लेकर आया है आप लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से कार्य, और मैंने कही यहाँ पे ये नहीं कहा कि ये महिलाओं के लिए ही है, पुरुष नहीं पढ़ सकते, पुरुषों के लिए ही है, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इन चीजों में कोई सार नहीं धरा है। पढ़ने पे सभी का अधिकार है व्यवस्थित। हाँ, संख्या के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया तो संख्या के आधार पर ही जो है ये चीजें तय होती है। तो वहां पे दिखती बात है कि मेल कैंडिडेट की बनिस्पत महिला कैंडिडेट्स कम होती है, तो संख्या के आधार पे वो चीजें सही भी बैठती है, और 30% आरक्षण भी कम नहीं होता है, बहुत बढ़िया है, और जो योग्य महिलाएं होती है वो उसमें भी बाजी मारती है। तो ये चीजें हैं साथियों, आप लोगों को समझनी होगी, और आगे जो भी करें आप लोग अपने विवेक के आधार पर करें, और कोई भी जो है ऐसे कदम नहीं उठाए जिसके कारण आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो या आपका भविष्य दांव पे लगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें और एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, तभी ये चीजें सही तरीके से सुलझेगी और सही तरीके से आप पढ़ के आगे बढ़ पाओगे। बाकी यदि कोई ऐसी चीज और भी होती है जहां पे मुझे लगे कि मुझे बोलना चाहिए या एक मार्गदर्शन का वीडियो बनाना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो आप निश्चिंत रहे, मैं चुप्पी साधने वालों में से नहीं हूं। जहां बोलना चाहिए होगा वहां पे बोलूंगा जरूर। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।